नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुण इंद्र। नारदीगंज थाना इलाके के फाजीपुर गांव के पास जो पुलिस टीम पर हमला हुआ, डायल 112 की पुलिस पर, जिसे पेट्रोलिंग पुलिस भी कह सकते हैं, उस मामले में पुलिस अधीक्षक का आधिकारिक बयान आ गया है। हम वो बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद FIR की प्रति भी मेरे पास आ गई है। हम पूरे खबर को आगे डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि पूरा मसला देखिए कैसे पेचीदा हो रहा है। तो पहले आप SP साहब का बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम FIR के बारे में बताएंगे और फिर कुछ बाकी जो ये दोनों जगह नहीं है, SP साहब के बयान में जो चीज नहीं झलकता है और जो FIR में नहीं झलकता, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। दिनांक 24/9/2024 को नारदीगंज थाना अंतर्गत एक घटना सामने आई थी, जिसमें डायल 112 की टीम जब वहां से गुजर रही थी, तभी कुछ अपराधियों द्वारा उन्हें जो है वार किया गया। इसमें डायल 112 टीम के जो चालक थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मारपीट की गई थी। वर्तमान में वो जो हैं वो ठीक हैं, इलाजरत हैं, वो ठीक हैं। इसमें कांड में एक SIT का गठन किया गया था। SIT टीम द्वारा कल रात जो है वो घटना में जो इन्वॉल्व लोग थे, 4 लोगों की पहचान की गई। 4 में से 2 लोगों को, अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, बुलेटिन उर्फ राजनीति और एक संतू कुमार। जो घटना है उसका जो कारण था वो इतना ही था कि जब डायल 112 टीम वहाँ से जा रही थी तो उनने इन व्यक्तियों को जो है वो पहचाना, वो पाया कि ये नशे में धुत हैं। इनको जब पूछताछ के लिए जो है ड्राइवर और पुलिसकर्मियों द्वारा जब इनको पूछा गया, तब इनके द्वारा, अभियुक्तों द्वारा जो है वो पुलिस टीम पर हमला किया गया, गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इन दोनों अभियुक्त को जो है वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, साथ साथ 2 और जो अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों, आपने SP साहब का बयान सुना और पिछले वीडियो में मोटा मोटी तौर पर हम आपको घटना किस प्रकार की थी, हम वीडियो थोड़ा दिखा भी चुके थे। अब हम बात आगे की करते हैं। SP साहब के बयान में क्या है कि पुलिस वो कर्मी जा रहे थे, रोका, गाली गलौज किया, मारपीट किया, नशे में भी लोग थे। अब FIR की चर्चा अगर हम करते हैं तो FIR में जो दरोगा जी हैं, सत्यनंदन कुमार या जो भी है नाम है, उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है। लेकिन उस FIR में ये लोग शराब के नशे में थे, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। सत्यानंद कुमार जो दरोगा जी हैं उनके द्वारा FIR कराया गया। नारदीगंज थाना में कांड संख्या 334/2024 ये दर्ज हुआ है। घटना 5:10 की बताई जाती है, शाम में 24 तारीख, तारीख भी याद कर लीजिए, 24 सितंबर की तिथि में घटना बताई जा रही है। FIR के हिसाब से 5:10 में, और इस घटना के थाने में एंट्री जो है सो 10:12 में, मतलब रात में होता है, करीब 5:02 बाद। खैर, ये सब होता है। FIR का मजलूम कहता है, जो दरोगा जी जो हैं उन्होंने जो FIR दर्ज कराया है, उनका कहना है कि हम लोग गश्ती से, मतलब रोड पेट्रोलिंग करते हुए हम लोग नारदीगंज की ओर जा रहे थे, इसी दौरान हाजीपुर के पास जो गुमटी है, उस गुमटी के पास 2 लोग थे और वो दोनों का नाम जो है आ गया है, बुलेटिन उर्फ राजनीत और पन्ने लाल यादव। बुलेटिन उर्फ राजनीत का पिता का नाम है बौधू सिंह और पन्ने लाल यादव के पिता का नाम है बौधू महतो या बौधू यादव। सहित 6-7 अन्य को बताया गया, आरोपित किया गया है FIR के हिसाब से। और SP साहब आपको बता चुके हैं कि आपने बयान सुना है तो उसमें SP साहब बता चुके हैं कि 4 लोग चिन्हित किए गए हैं। अब बताइए, दरोगा जी कह रहे हैं कि 6-7 अन्य लोग और 2 एक्यूज्ड, 2 को उन्होंने पहचान किया था, मतलब करीब 8-9, और SP साहब कह रहे हैं कि 4 लोगों की पहचान हुई है। खैर, तो उसमें आगे जो FIR का कहा गया है, FIR में कहीं भी ये जो आरोपित लोग थे ये लोग कहीं शराब के नशे में थे, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और FIR में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि हम लोग नारदीगंज की ओर जा रहे थे, इसी दौरान वो लोग वहाँ पर रोका, गुमटी के पास, फाजिलपुर गुमटी के पास,
और उन लोगों ने जो है सो मतलब गाली गलौज किया, और उसके बाद वाहन में सट करके गाली गलौज किया, और उसके बाद जब हम लोगों ने विरोध किया, मतलब दरोगा जी थे, एक सिपाही थी और एक ड्राइवर थे, तो ये तीनों ने जब विरोध किया तो ड्राइवर को बाहर खींच करके मारपीट करने लगा, और मारपीट होता हुआ देख 6-7 लोग और जो है सो जो इधर उधर थे मतलब गाँव के तरफ, उधर से लाठी डंडा लेकर के आया और उन लोगों ने मारपीट किया। इन लोगों का कहना है कि महिला सिपाही के साथ भी बदतमीजी की गई, और दरोगा जी का कहना है कि मेरे साथ ही मारपीट की गई। खैर ये सारी बातें हैं, FIR में दर्ज है जो भी है। अब इस मामले का लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि प्राथमिकी जो FIR दर्ज कराया गया है उसमें दो ही लोगों को नामजद किया गया है, बुलेटिन उर्फ राजनीत पिता बौद्धू सिंह, पन्नेलाल यादव पिता बौद्धू महतो, ये दोनों ग्राम फाजिलपुर को नेम्ड किया गया है, 6-7 अज्ञात को, लेकिन SP साहब के हिसाब से 4 लोगों की पहचान हुई है जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। बुलेटिन उर्फ राजनीत की गिरफ्तारी जो है सो हुई है, और इसके अलावा एक संटू कुमार की गिरफ्तारी हुई है, और उसमें संभवतः संटू कुमार का कुछ आपराधिक इतिहास रहा है, 2-3 घटनाएं उसके खिलाफ नारदीगंज थाने में दर्ज भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि हालांकि कोई भी इस घटना की को जस्टिफाई नहीं कर सकता, हम पहले के वीडियो में बताए हैं बहुत ही निंदनीय घटना थी, और पुलिस के पर अगर हमला किया गया तो ये गलत है, इसकी आलोचना निंदा भर्त्सना तो की ही जानी चाहिए, और पुलिस जो एक्शन ले रही है उस एक्शन भी सही है, सही दिशा में कहा जा सकता है कि अगर इस प्रकार कानून को कोई हाथ में लेगा तो उसको किसी सूरत हाल में बख्शा तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये ग्रामीणों के द्वारा उठाया जा रहा है, ग्रामीणों का पक्ष क्या था? ग्रामीणों का पक्ष यह था कि ये लोग लूडो खेल रहे थे, जीत हार के बाद आपस में ये लोग कुछ जो होता है कि जब जीत हार होती है तो आपस में जो ग्रामीण कल्चर का जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस पहुंची और पुलिस के द्वारा जो है सो को ये एहसास हुआ कि ये लोग हमें ही गाली गलौज कर रहा है, ये में भी ये हो सकता है, और उसी में जो चालक है वो थोड़ा ज़्यादा आपक हुए, और उसके बाद जब मारपीट की नौबत आई तो उसी में पुलिस के तरफ से या कहीं चालक के तरफ से पहले मारपीट की गई, और उसके बाद जो है सो ग्रामीणों ने भी आपक होया, और उसके बाद जो होना था सो हुआ, जिसका वीडियो करीब करीब सामने है, वायरल है, सारे लोग देख रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ग्रामीणों का आरोप है कि वो जो ड्राइवर है शक्ति कुमार, हालांकि उनकी SP के साहब का जो बयान है उसके हिसाब से उनके गंभीर चोटें आई है, लेकिन फिलहाल ठीक ठाक हैं, इलाजरत हैं, और ग्रामीणों का कहना है कि इनकी आदत जो है शक्ति कुमार की मतलब आदतन इस रूप से है कि किसी भी लोगों के साथ इस टाइप का करना, तो अगर आरोप है तो कानून सबके लिए समान है, SP साहब पहले ही कमिटमेंट कर चुके हैं, तो इस मामले के ग्रामीणों के पक्ष को भी सुनना जाना चाहिए, और अगर फैक्ट है कि ग्रामीणों की गलती नहीं थी लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी गलती उन लोगों ने कर दी है तो उसकी तो सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन इस प्रकार के अगर पुलिसकर्मी भी कानून का वायलेशन करते हैं, पब्लिक के साथ पीपुल फ्रेंडली का जो बात होता है वो उसका पालन नहीं करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की दरकार तो है ही, बनती ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।